कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था, जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे। वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की, वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है।